से हाथ सामने रखा है, अब ये हाथ को जैसे कोई बॉल है, बॉल को ऐसा करके अगर स्पिन करके थ्रो करते हैं, इसी तरह से ऐसा फील करो कि जैसे ये बॉल है हाथ में और उसको थ्रो कर रहे हो, बस उंगली है ये अंगूठा यहाँ पे टच रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो थ्रो 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 थ्रो, पोजिशन क्या रहेगा, ये शोल्डर गायब, ये शोल्डर अप है, इज अ रॉन्ग शोल्डर अप, रॉन्ग शोल्डर अप एंड एल्बो अप, अगेन रॉन्ग शोल्डर अप एल्बो अप हाथ अंदर, रॉन्ग नहीं, आत्महत्या, ठीक है, ये आत्महत्या है, उमर गया आदमी, ठीक है, ऐसा एक कंडीशन रहेगा। ये कंडीशन में अगर यू मूव कर जाते हो देन बचाव हो सकता है, पर नहीं होगा। हमारे केस में हमारा बाउंस आउट नॉर्मल बाउंस आउट, जो नॉर्मल कंडीशन में बाउंस आउट है वो टर्न होता है एंड हिट होता है, टर्न हो रहा है हिट हो रहा है, बट वो टर्न क्या कर रहे हैं, ये इसको भी इस तरह से टर्न कर रहे हैं नीचे की साइड में, आपको इस डायरेक्शन पे ले रहे हैं, हमारा हाथ का डायरेक्शन हमेशा सामने रहेगा, ये मिडल गेट के लिए फ्रंट पंच आ रहा है, सोलर एक्सिस पे पंच आ रहा है, सोलर पे पंच आ रहा है, तो हम नीचे को यहाँ से मिडल गेट को इंटरसेप्ट करेंगे और ये सामने की तरफ रहेगा, फोर्स रहेगा, जैसे कंक्यू का फोर्स लेके मारते हो वैसे ही इसका भी फोर्स रहेगा, सामने की तरफ जैसे मार रहे हो ये हाथ अंदर घुस रहे वैसे फोर्स रहेगा, वन एंड देन टू। अब उसको पीवर्ड के साथ में वन फोर्स तो सामने ही है, टू वन एंड टू, इशाद यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे इशाद है, यहाँ पे रखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ वन, तो जैसे ये इशाद पीछे जा रहा है फिर से ये वाला पंच करो, फिर से करो अभी, अब वहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखो पूरा हाथ और पूरा हाथ सब रॉन्ग है, क्योंकि ये अपर पंच है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी बॉक्सर की, बॉक्सर कहाँ के लिए, यहाँ के गेट के लिए, तो जब आया अब देखो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है वहाँ पे सेट, और हाथ अगर फिसल के ऊपर आ सके उसके लिए बैक में ये रहेगा, इन केस अगर वो चीट कर रहा है यहाँ पे कर रहा है और हाथ आया तो ये पीछे का हाथ पे आपको काम में आ जाएगा मारने के, तो एक हाथ रिजर्व में रहेगा। अब समझो कि थोड़ा लोअर आ रहा है, लोअर पंच आ रहा है ये वाला यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पर, पर फोर्स अभी भी सामने की तरफ है, थोड़ा सा फोर्स लो यहाँ पर, फोर्स अभी भी सामने की तरफ है, तो मैं ऐसा खाली वॉक करूँगा तो फोर्स सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, फोर्स आपके सामने की तरफ है। अब गलती क्या होती है, यह हुआ और मैंने फोर्स इस तरफ कर दिया, मेरी सेंटर लाइन इस तरफ, इसकी भी सेंटर लाइन इस तरफ, आओ बहनों दोनों मिलके जन्नत देखते हैं, वो अलग खेल हो जाए, तो वहाँ पे नहीं चल रहा, तो क्या रहेगा केस, फोर्स पकड़ पर सीधा, तो फोर्स सामने की तरफ और फट पढ़ा देंगे, ठीक है, फिर अपर बॉक्स आउट आएगा, लोअर बॉक्स आउट ये आएगा, अपर में अपर में ऊपर और उसका पोजिशन अलग है, उसमें खाली हम उसको एंगल रखते हैं और स्लैंट होकर चला जाएगा, तो कोई बड़ा वेपन या लाठी वाठी मार रहा है, हॉकी स्टिक या कुछ मार रहा है, वहाँ पे ऊपर करके उसको ग्लाइड करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई हम वेपन से कर सकते हैं, ठीक तलवार नहीं।